हेलो एवरीवन माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स तो राइट नाउ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस को लेके हम बात करने है वाले हैं एंड राइट नाउ तुम सब लोग जानते हो क्यार कल जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर है श्री पार्थो चैटर्जी उन्होंने यार ये बोला था कि वी विल गोइंग टू रीओपन अवर स्कूल फ्रॉम ट्वेल्व फरवरी राइट एंड कल के वीडियो बहुत सारे लोग देखे थे और बहुत सारे लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हुआ था इसके साथ साथ यार मैं बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया जो लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि भैया कुछ नोटिस आ रहा है राइट नाउ फ्रॉम अवर स्कूल ठीक है, रहा है, रहा है

एनी अदर स्टेट वेदर तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने वाला हूं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले ठीक है सो लेट्स जस्ट कम बैक टू टॉपिक एंड बिफोर कमिंग टू दिस तुमने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाकर कर सकते हो क्योंकि मैं उधर हर एक न्यूज वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होता है मैं उधर डाल देता हूं ठीक है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सो राइट नाउ इंपॉर्टेंट नोटिस ऑन रिओपनिंग ऑफ स्कूल फॉर सीनियर स्टूडेंट ठीक है तो मेरे स्कूल मैं स्कूल मैं से अपने पास आउट हुआ था जूनियर्स तो बोला कि एक नोटिस आया है ये नोटिस हर एक आईसीसी आईएससी स्कूल से आ रहे हैं ठीक है तो नोटिस के अंदर क्या बोला नोटिस के अंदर ये बोला गया है कि डियर पेरेंट्स एस पर अनाउंसमेंट मेड आवर ऑनरेबल एजुकेशनल मिनिस्टर श्री पार्थो चैटर्जी ऑल स्कूल इन वेस्ट बेंगलैश टू बिगिन फिजिकल क्लासेस फ्रॉम ट्वेल्व फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी अभी अपने फिजिकली क्लासेस ओपन कर रहे पेरेंट्स right कंसर्न देगा मीन्स एक्चुअल ये लेटर उस कारण के लिए है ठीक है मैं पूरे परा के सुनाता हूं तुमको ठीक है एज पर दूल रीओपन टू कंडक्ट फिजिकल क्लासेस फॉर बोथ थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स For for the board students means for the board class 9 and class 11 students from 12 february theek hai to jo hamare टेब्रुअ जो हमारे bola tha ने बोला था है? क्या बोला था कि हम लोग अपने school reopen करने वाले हैं right एंड मैं ये बात बोला था ये वेस्ट Bengal के साथ साथ और भी स्टेट्स में जिधर अभी तक स्कूल reopen नहीं हुआ ठीक है बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी दे हैड ओपन द स्कूल ंगाल एलोंग विद अदर सिक्स या फिर सेवन स्टेट गेट ओपन स्कूल और कॉलेज वो राइट नाउ स्कूल एंड कॉलेज ओपन करने वाले हैं ठीक है इसके साथ साथ कुछ मैं कल के वीडियो के अंदर ये लेके बात किया था कि देर यू नीड टू में कुछ एसओपी दिया गया है जो एसओपी हर एक स्कूल को यार फॉलो करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है राइट right? अच्छा इसके साथ साथ ये बोला गया इन दिस रिग्रेट वी रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू इन्फॉर्म अस वाया ईमेल दैट आर दे गोइंग टू सेंड द स्टूडेंट्स फॉर फिजिकल फिजिकल मींस फॉर फॉर क्लासेस थ्योरी प्रैक्टिकल्स एंड फॉर एनुअल एन्यस ठीक है तो इधर दो बातें आते हैं ठीक है यार क्या बातें आते हैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं वी वांट टू सेंड आवर स्टूडेंट्स टू स्कूल ऑन दैट केस यू नीड टू मेंशन दिस वन आई वुड लाइक टू गिव द कंसेंट टू माय वू अटेंड द फिजिकल क्लासेज फॉर प्रैक्टिकल थियोरी एंड एनुअल एक्शन ट्वेल्थ फेर इफ यून अलाव यूर पेरेंट्स के अंदर भैया हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं राइट बट हम लोग ऑनलाइन में एग्जाम देना चाहते हैं नॉट इन ऑफलाइन ठीक है हम स्कूल में जाना तो चाहते हैं राइट बट फाइनल एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं क्लास नाइन एंड क्लास इलेवन आई एस सी एज वेल एस आई के लिए हम वो एग्जाम ऑफलाइन में नहीं देना चाहते हैं एम आई राइट ये तुम लोगों का बात है ना ठीक है तो काफी सारे लोग मेरे को ये टॉपिक बोल रहे थे भैया सारा साल हम ऑफलाइन में ऑनलाइन में पढ़ाई किया एंड राइट नाउ स्कूल स्कूल आर एक्सपेक्टिंग अस टू टू गो एंड गोइंग टू गिव गोइ ऑफलाइन एग्जामिनेशन इट इज नॉट फिजिबल नंबर वन ठीक है नंबर टू पॉइंट नंबर टू पॉइंट क्या यार तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अभी के अभी बोलो कि तुम्हारा स्कूल ऐसा कुछ नोटिस भेजा है क्या

तो भैया हम क्या करें हमको स्कूल में जाना तो मर्जी मन बहुत अच्छा लगता है स्कूल में जाना राइट स्कूल में, में बहुत दिन नहीं गया है बट इसके साथ साथ वी डोंट टू गिव आवर एग्जामिनेशन ऑफलाइन वी डोंट टू गिव एग्जामिनेशन ऑफलाइन राइट तो अभी तुम लोग देखो यार मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता हूं कि यार नहीं ये करो वो करो यार ना तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हूं मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूं तुम अपने क्लास में कितने स्टूडेंट है कमेंट पे मेरे को लिखो एंड सारे दोस्त लोगों के साथ तो कॉन्टेक्ट करो कि भाई तू क्या करना चाहते है एंड सब लोग मिला के ऐसा कुछ करो ताकि सब स्टूडेंट्स के लिए ये चीज फिजिबल है राइट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग डायरेक्टली इन दिस वीडियो क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स एंड बहुत सारे टीचर्स लोग देखते हैं राइट आई नो दिस थिंग सो आई कांट टेल यू राइट नाउ दैट की जो जाके अभी ये चीज करो ठीक है आई कांट टेल राइट नाउ बट आई थिंक यू आर मीन तुम मेरा बात समझ पा रहे हो ठीक करने वाला तो करो अगर नहीं करना चाहते हो तो ये चीज बोला गया राइट right? सो so, अभी तुम अपने पेरेंट्स को पूछो तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं एंड अपने पेरेंट्स से कंसर्न मांगो एंड ये तुम्हारे जो दोस्त है उसका पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं उन अंकल आंटी से कंसर्न मानो मान के या फिर मांग के जो भी डिसीजन तुम लोग ले रहे हो तुम्हारे लिए होना चाहिए राइट right. तो आशा करता तो हूं वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था मैं ज्यादा बात उस वीडियो के अंदर नहीं बोल पाऊंगा एंड मैं नहीं बोलना चाहता हूं ठीक है इसी के साथ हम वीडियो खत्म कर रहे हैं तब तक के लिए चलते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो मेरे को बताना जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में देन स्टे सेफ सेफ बी एंड गुड बाय एंड कीप आकाश टॉक